पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में दुर्गम रोहतांग दर्रे को पार करने वाली सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग बनकर तैयार हो गई है। रोहतांग की पहाड़ियों का सीना चीरते हुए बनी सुरंग की लंबाई 8.8 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 10,000 फीट है। बता दें कि ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनी सुरंग का निर्माण मई 2020 तक होना था, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते सुरंग के निर्माण में देरी हो गई। बता दें कि उत्तर भारत के कठिन पहाड़ी इलाकों में बनी अटल सुरंग के निर्माण की शुरुआत काफी पुरानी है। इस सुरंग के निर्माण से भारत को रणनीतिक तौर पर बढ़त मिलेगी, साथ ही सुरंग हिमाचल प्रदेश के लिहाज से भी काफी अहम है। सुरंग से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के क्षेत्रों से हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहेगी और सामरिक दृष्टि से सुरंग का निर्माण काफी फायदेमंद साबित होगा। पीर पंजाल की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई सुरंग के कारण 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। वहीं ये सुरंग 13,050 फीट पर स्थित रोहतांग दर्रे के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है। मनाली वैली से लाहौल और स्पीति वैली तक पहुंचने में करीब 5 घंटे का समय लगता है, लेकिन अटल सुरंग की वजह से रास्ता करीब 10 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इस सुरंग में हर जगह 150 मीटर की दूरी में टेलीफोन सुविधा, हर 60 मीटर पर अग्निरोधी उपकरण, हर 500 मीटर पर आपातकालीन निकास, साथ ही 2.2 किलोमीटर पर गुफानुमा मोड़ है। इनके साथ ही हर 1 किलोमीटर पर हवा की क्वालिटी बताने वाले मॉनिटर और 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरा की सुविधा भी होगी। साथ ही इस सुरंग से 1,500 ट्रक और 3,000 कारें प्रतिदिन सफर कर सकेंगी। इस सुरंग के भीतर इमरजेंसी एग्जिट का निर्माण भी किया गया है। इस प्रोजेक्ट को 2015 तक पूरा होना था, लेकिन कई तरह की दिक्कतों के कारण सुरंग के निर्माण कार्य में देरी हुई। मूल रूप से सुरंग की लंबाई 8.8 किलोमीटर तय की गई थी, लेकिन बनते वक्त ये सुरंग 9 किलोमीटर लंबी हो गई। वहीं सुरंग के साथ ही उत्तरी और दक्षिणी पोर्टल पर पुलों का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। ये सुरंग लाहौल और स्पीति वैली के लोगों के लिए वरदान बनकर सामने आई, क्योंकि हर साल भारी बर्फबारी के दौरान लाहौल और स्पीति वैली सर्दी में करीब 6 महीने से देश के शेष हिस्से से कट जाता था, लेकिन अटल सुरंग की वजह से कनेक्टिविटी बनी रहेगी। साथ ही चीन के साथ जारी गतिरोध के दौरान यह महत्वपूर्ण साबित होगी। अब लद्दाख में तैनात सैनिकों से बेहतर संपर्क बना रहेगा, साथ ही उन्हें हथियार और रसद कम समय में पहुंचाई जा सकेगी। बता दें कि आपात परिस्थितियों के लिए सुरंग के नीचे एक अन्य सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है। यह किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बनाई जा रही है। ये विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन निकास का काम करेगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।